Hey everyone, I welcome you all in my channel that is Science Side. My name is Charu. As we are doing the heredity and evolution chapter, that is chapter number 9 of the 10th class, we have already discussed the monohybrid cross, the law of segregation, or jo important terms hain aapki, genes hain, alleles hain, chromosome hain, DNA hain, heterozygous, homozygous condition, dominant allele, recessive allele, all these are terms. ठीक है, आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं. ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी. नाउ वी विल डू द नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज डाइहाइब्रिड क्रॉस. और उसका क्या कनेक्शन है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के साथ, क्या लिंक है उसका. ठीक है, ये करेंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन करेंगे. सो लेट स्टार्ट द वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब द चैनल. ठीक है, दिस इज द चैनल लोगो, गो टू इट एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल. So let's start the video. We have to do the dihybrid cross. What is dihybrid cross? ठीक है, mono hybrid करा था हमने. तो mono में हमने जो है mono word का मतलब ही होता है single. वहां पे हमने single character की बात करी थी. हमने height का character लिया था, एक ही character लिया था. फिर उसमें हमने दो traits ले लिए, एक हमने tall लिया था और एक हमने dwarf लिया था. उसके according हमने देखा कि हमारे पास जो alleles हैं वो इस तरीके से है, प्योर टॉल में, दिस इज प्योर होमोजाइगस टॉल, होमोजाइगस टॉल. और एक हमने लिया था प्योर होमोजाइगस कंडीशन में ही, होमो में ही ड्वार्फ. और जो होमो वाला ड्वार्फ था उसमें हमारे पास था स्मॉल टी इस तरीके से लिया. तो हमने एक ही करेक्टर, हाइट का जो करेक्टर था उसको डिस्कस किया था. उसमें से हमें F1 जनरेशन, F2 जनरेशन मिली थी. हमें इम्पोर्टेंट बात ये है, जीनोटाइप और फिनोटाइप आपको लर्न होना चाहिए. ठीक है, जीनोटाइप और फिनोटाइप. फिनोटाइप मतलब मैंने कहा था जो दिखावे का काम कर रहा है, जो देखने में मुझे अपना फिजिकल करेक्टर बता रहा है. वो मुझे बता रहा था कि टॉल इज टू ड्वार्फ, कितना था 3:1. और फिनोटिपिकली मेरे पास था 1:2:1. ठीक है, 1 वाले कौन से थे, 1 आपका टॉल था. ठीक है, जिसमें कैपिटल टी था. फिर 2:1 में हमारे पास हाइब्रिड था, कैपिटल टी स्मॉल टी. फिर हमारे पास एक ड्वार्फ था जिसमें हमारे पास स्मॉल टी, दिस इज ड्वार्फ. तो इस तरह से हमने करा था मोनो हाइब्रिड क्रॉस, रिपीट कर दिया मैंने. डाई हाइब्रिड में एज वी हैव मेंशन कि मोनो में सिंगल करेक्टर यानी हाइट का जो एक करेक्टर था उसके बारे में हमने डिस्कशन करी थी. डाई हाइब्रिड क्रॉस में वी विल डिस्कस, डाई हाइब्रिड में वी विल डिस्कस टू करेक्टर्स, टू कंट्रास्टिंग करेक्टर्स. ठीक है, तो ये लेंगे हम, तो लेंगे हम पी प्लांट में ही मेंडल, उन्हीं पे एक्सपेरिमेंट करा था. उसको पी प्लांट अच्छा लगता था क्योंकि उसमें 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे. ठीक है, उसमें एनुअली उसका जो ग्रोथ था वो एनुअल था और जो फ्लावर की ग्रोथ थी वो जल्दी हो रही थी. क्रॉस फर्टिलाइजेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन उस प्लांट में देखा जा सकता था, इसलिए उसने उसी प्लांट को चूज किया. अब यहाँ पे दो करेक्टर्स की बात करेंगे हम. ठीक है, और कौन से करेक्टर्स उसने लिए उस पी प्लांट के, वो भी देख लेंगे. सबसे पहले देख लेते हैं डेफिनेशन पी प्लांट. तो इट इज अ क्रॉस बिटवीन द टू प्लांट, यहाँ भी हम दो प्लांट्स की बात करेंगे. ठीक है, हैव अ टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर. एक प्लांट में आपको दो करेक्टर देखने को मिलेंगे. एक करेक्टर होगा बच्चे सीड के कलर से रिलेटेड और एक होगा सीड के शेप से रिलेटेड. तो आगे दो करेक्टर दूसरे प्लांट में भी हम यही लेंगे. सीड का कलर कुछ और होगा, यहाँ पे सीड की शेप कुछ और होगी. इस तरह से दो करेक्टर, एक प्लांट में दो करेक्टर उठा लेने हैं हमने. हमने उन दोनों के बीच में क्या करवा देना है, क्रॉस करवा देना है. तो दिस इज अ क्रॉस बिटवीन वन पी प्लांट. ऐसे पी प्लांट हैं जिसमें राउंड और येलो सीड है, राउंड एंड येलो सीड है. दूसरा पी प्लांट है जिसमें रिंकल्ड और ग्रीन सीड है, रिंकल्ड और ग्रीन सीड है, ग्रीन कलर के सीड है, छोटा करके लिखा मैंने. अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से, मैंने इस तरह से टेबल भी बनाया है. एक आपका जो करेक्टर है वो क्या है, उसका सीड का शेप. और दूसरा जो करेक्टर है वो क्या है, सीड का कलर. शेप जो है या तो आपको राउंड देखने को मिलेगी उस मटर के दाने की, ठीक है, या तो आपको रिंकल्ड दिखेगी. और अगर कलर देखें तो सीड का जो कलर है या तो आपको येलो कलर का मटर दिखेगा या तो ग्रीन कलर का मटर दिखेगा. ठीक है, अब हमने क्या करवाना है, पेरेंट्स का फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन हम करेंगे. क्योंकि ये जो प्लांट है ये एक फर्स्ट प्लांट है जिसका सेकेंड प्लांट के साथ
हमने फर्टिलाइजेशन करवानी है। तो हम फर्स्ट वाले प्लांट में राउंड वाले सीड थे और येलो कलर का आपका सीड था, वो जो ये जो सीड है इसके अंदर, ये इसकी शेप बिल्कुल राउंड थी और इसके अंदर येलो कलर था, ठीक है, येलो कलर था, ये राउंड था और अंदर से येलो था। दूसरा जो हमारा ये सेकंड वाला प्लांट है, इसका जो है वो इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा रिंकल्ड सीड था और उसके अंदर ग्रीन कलर था, रिंकल्ड था और ग्रीन कलर था। तो ऑब्वियसली वो दोनों अलग अलग प्लांट हैं, तो हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाएंगे और हमें मिलेगी नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। तो अभी हम लिख लेते हैं कि हमारे पास है क्या। हमारे पास है इस तरह से डबल आर दैट रिप्रेजेंट कि वो डोमिनेटिंग राउंड मेरा करेक्टर जो है वो शो कर रहा है। हमारे पास है डोमिनेटिंग कैपिटल में डबल वाले वाई जो मुझे येलो कलर दे रहे हैं, ठीक है। ये एक प्लांट है और दूसरा प्लांट जो है वो कैसा है, जो स्मॉल आर है वो रिप्रेजेंट करेगा कि वो रिंकल्ड सीड है, स्मॉल वाई है जो मुझे रिप्रेजेंट करेगा कि उसमें ग्रीन कलर का सीड है, ठीक है। ये हो गया, ये एक प्लांट है, दूसरे प्लांट के साथ क्रॉस फर्टिलाइजेशन हुआ। अब आपको पता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि जो सेम अलील्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं उनकी सेग्रीगेशन करनी है आपने, तो मैं एक ही उठाऊंगी, मैंने इन दोनों को सेग्रीगेट कर दिया, सेपरेट कर दिया, सेग्रीगेट यानी सेपरेट, तो मैंने सेपरेट किया तो मैंने अभी एक ही उठाया है। उसके बाद इन दोनों को जो होमोजाइगस मुझे दिख रहे हैं उनको भी मैंने सेग्रीगेट किया, सेपरेट किया, लिया मैंने एक साथ ही है। इट इज ड्यू टू द गैमेट फॉर्मेशन, हमें तो दो करेक्टर्स लेके चलने हैं, तो इन दोनों में से एक चूज किया, एक ही एलील, इन दोनों को सेग्रीगेट किया, एक एलील उठा लिया, गैमेट की फॉर्मेशन की दो करेक्टर्स आपने ले लिए। नाउ इन द सेकेंड प्लांट द सेम इज डन, आप लेंगे रिंकल्ड का स्मॉल आर और ग्रीन का स्मॉल वाई लेंगे, गैमेट की फॉर्मेशन होगी। अब ये गैमेट आपस में फ्यूज करेंगे और जब ये फ्यूज करेंगे तो हमें देंगे F1 जनरेशन, ठीक है। जो प्रोजेनी है, जो बच्चे हैं, दैट इज F1 जनरेशन, दिस इज प्रोजेनी, दैट इज F1 जनरेशन। और इसमें क्या आएगा, हमारे पास इस तरह का जीनोटाइप आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये आएगा हमारे पास। ये याद रखना है, आपने एक प्लांट ये लिया था, दूसरा प्लांट ये लिया था, आपने गैमेट्स की फॉर्मेशन करवाई जिसमें आपने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लगाया, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से आपने इन दोनों में से एक एलील लिया, इन दोनों में से एक एलील लिया कैपिटल वाई, दूसरे प्लांट में आपने स्मॉल आर एक ही लेना है बिकॉज गैमीट फॉर्मेशन में आपका एक जो है क्या होता है, सेग्रीगेशन के टाइम पे आपने होमोजाइगस में से एक ही लिया, और गैमीट फॉर्मेशन जब आप करते हैं तो इन दोनों स्मॉल वाई जो मुझे आपका ग्रीन कलर का ट्रेट बता रहे हैं उसमें से आपने एक ही लिया, ठीक है। इन दोनों को फ्यूज करवाया, गैमीट्स आपने बनाए, तो आपके पास इस तरह का जीनोटाइप आया। और फिनोटाइप किस पे डिपेंड करता है, दिखावे वाली चीज पे, दिखावा कौन कर रहा है, कैपिटल आर और कैपिटल वाई यहाँ पे डोमिनेटिंग है, दिस वन एंड दिस वन इज डोमिनेटिंग, ठीक है। ओ गॉड, अच्छा यहाँ में मेरा पिक्चर आ रहा होगा तो मुझे तो यहाँ पे नहीं विजिबल है, मैं नेक्स्ट वाले में फिर से बताऊंगी। तो इस तरह से ये जो जीनोटाइप है, ये फीनोटाइप कौन सा शो कर रहा है, नेक्स्ट वाले में मैं आपको फिर से बताती हूँ। तो हम ये बात कर रहे थे कि मेरे पास एक ये प्लांट था, ठीक है, कैपिटल आर दो बार लिखा है आपने, कैपिटल वाई दो बार लिखा है आपने, ठीक है, क्योंकि हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं, हम दो करेक्टर्स के बारे में बता रहे हैं। तो ये दोनों एलील्स जो इकट्ठे थे, जो मुझे राउंड वाली शेप बता रहे थे, ये दोनों एलील्स एक साथ थे जो मुझे येलो कलर बता रहे थे, इसको मैंने क्रॉस करवाया ऐसे प्लांट के साथ जो कि रिंकल्ड था और जो कि ग्रीन कलर का था, स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, दिस इज रिंकल्ड, एक तो रिंकल थे उसमें और दूसरा वो ग्रीन कलर का था। अब मुझे करना है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी एलील्स की सेपरेशन, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन मियोसिस विल अकर एंड देयर इज द सेपरेशन ऑफ एलील्स। तो मैंने सेपरेशन जब करनी है, दिस इज गैमीट्स, गैमीट्स फ्यूज करते हैं फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, गैमीट्स बनाने ही बनाने हैं, तो ये पेरेंट्स था, इसमें से एक उठाया क्योंकि डबल करेक्टर लेके चल रहे हैं तो दूसरा करेक्टर भी साथ में लिखिए, लिख लिया। अब इसके गैमीट्स बना लेते हैं, इसके गैमीट बनेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई, बन गए। इन दोनों को आपस में हम करेंगे फर्टिलाइज, अब होगी जब फर्टिलाइजेशन तो जब इनकी मेटिंग होगी देन वी विल फॉर्म अ न्यू प्रोजेनी दैट इज नोन एज अ F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में जीनोटाइप आप इस तरीके से शो करें, ये हो गया। अब फिनोटिपिकली हमने ये देखा कि अगर फिनोटाइप हम देखें तो
तो देखने में मुझे पता है कैपिटल आर जो है वो डोमिनेट है, दिस इज डोमिनेटिंग, और कैपिटल वाई जो है वो डोमिनेटिंग है। तो अगर ये दोनों डोमिनेटिंग है तो ये सारे के सारे जो प्लांट्स हैं, जो बेबी प्लांट्स हैं, जो न्यू प्रोजेनी है, वो कैसी आएगी? वो आएगी आपके पास राउंड एंड येलो। तो ये तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरह अभी भी आधा अधूरा काम है, दूसरे ने तो एक्सप्रेस ही नहीं किया। तो क्या करें, इस F1 जनरेशन की हम करवा देंगे सेल्फिंग। हमने करवाई सेल्फिंग, यानी एक दूसरे के साथ मेटिंग करवा दी, क्योंकि हमें F2 जनरेशन चाहिए, क्योंकि हमने ये देखना है क्या दूसरे वाले जो करेक्टर्स हैं उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया क्या। तो उन्होंने एक्सप्रेस किया नेक्स्ट जनरेशन में, यानी F2 में। तो अब देखते हैं नेक्स्ट जनरेशन। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, ये शुरुआत हुई है, दिस इज द फर्स्ट प्लांट, दिस इज द सेकेंड प्लांट, इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया तो हमें इस तरह का जीनोटाइप देखने को मिला, लेकिन वो राउंड और येलो फिनोटाइप शो कर रहे थे। दिखावे के तौर पे राउंड स्ट्रक्चर थी, येलो कलर था। तो क्या दूसरे ने एक्सप्रेस नहीं किया होगा? दूसरे ने एक्सप्रेस किया है। किस तरीके से एक्सप्रेस किया है? वी हैव टू डू अ मेटिंग बिटवीन F1 एंड F1, दैट इज नोन एज अ सेल्फिंग। तो हम कर लेते हैं इनकी सेल्फिंग, ठीक है। तो सेल्फिंग के टाइम पे हम क्या देखेंगे कि जैसे ही हमने कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये था F1 जनरेशन, इसकी करी हमने इस तरीके से सेल्फिंग, ठीक है। जब आप इसको समझ के करेंगे ना, ये बहुत इजी है। मुझे, मेरी ये फेवरेट चीज होती थी जब मैं बायो की स्टूडेंट। तो ये जो है, दिस इज नोन एज द F1 जनरेशन इनटू F1 जनरेशन, हम सेल्फिंग कर रहे हैं। अब मुझे फिर से क्या बनाने हैं? गैमीट्स बनाने हैं। ये तो पेरेंट्स हैं, दीज आर पेरेंट्स। मुझे क्या करनी है? गैमीट फॉर्मेशन। तो यहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे इन दोनों में ये हेट्रोजाइगस है, लेकिन एलील्स की सेपरेशन हम करते हैं। तो इस तरह से एलील, ये एलील इस तरीके से कैपिटल वाई, इस तरीके से कैपिटल स्मॉल वाई, इस तरीके से, इसमें भी तो यही है। तो ये इस तरीके से है। अब गैमीट्स कैसे बनेंगे? गैमीट्स बनेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ने इन दोनों को सेपरेट किया, इन दोनों को सेपरेट किया, चाहे इन दोनों की सेपरेशन की बात करो, इन दोनों की करो, किस तरीके से सेपरेट हो गए? एलील्स की सेपरेशन तो हो गई, लेकिन वो जाएंगे किसके साथ? जब गैमीट्स बनेंगे, हमारे पास 25% प्रोबेबिलिटी है हर किसी के पास कि वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेगा। जब गैमीट्स बनेंगे तो कैपिटल आर की मर्जी है वो कैपिटल वाई के साथ जाए, कैपिटल आर की मर्जी है स्मॉल वाई के साथ जाए, स्मॉल आर की मर्जी है कैपिटल वाई के साथ जाए, स्मॉल आर की मर्जी है स्मॉल वाई के साथ जाए। ये जो लॉ है ना, दिस इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दैट एलील्स कैन गो, कैन मूव इन द गैमीट, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन दे कैन असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। वो किसी के साथ भी जा सकता है। ये दोनों लड़के हैं, 1 एंड 2, ठीक है। कोई फैमिली है जो रिश्ता करवाना चाहती है, ये दोनों गर्ल्स हैं, तो ये दोनों भाई डिस्कस करते हैं कि लड़कियां तो देखी नहीं है। तो भाई फर्स्ट वाला दूसरे को बोलता है कि मैं दोनों में से किसी को चूज कर, तो तूने जिसको चूज करना होगा तू कर लियो। तो इसने भी कहा हाँ, दोनों में से मैं किसी को भी चूज कर लूंगा। मतलब कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है, वैसे ही स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। दे कैन असॉर्ट, असॉर्ट मतलब मूव, दे कैन मूव इंडिपेंडेंटली, ठीक है, अपनी मनमर्जी से वो काम कर सकते हैं। तो अपनी मनमर्जी से उन्होंने अपने आप, हर एक करेक्टर, हर एक ट्रेट अपने आप को क्या करना चाहता है, एक्सप्रेस करना चाहता है। तो उन्होंने एलील्स को इतना मनमानी का काम करने दिया कि तुम जिसके साथ जाना चाहते हो भाई चले जाओ। दे असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, जो एलील्स हैं ऑफ अ जीन, दे कैन असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। तो यहाँ पे गैमेट जब बने तो वो अपनी मर्जी से 25% हर किसी के पास प्रोबेबिलिटी है कि वो किसी के साथ भी जा सकता है। तो दीज आर गैमेट्स। अब इन गैमेट्स को उठाएंगे और फिर पन्नेट स्क्वायर बनाएंगे। तो इन गैमेट्स को उठाया है, देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, किसी के साथ भी जा सकते हैं। तो अगर इस में से मैं इसको मेल बना दूं और इसको मैं फीमेल जो है वो बना दूं, तो दिस इज मेल,
जिसको आप क्रॉस कर रहे हो, इस तरफ फीमेल के गैमेट्स लिख लेते हैं, गैमेट्स सेम है मेल और फीमेल में, क्योंकि पेरेंट्स देखो जीनोटाइप सेम था ना, जीनोटाइप सेम था तो ऑब्वियसली गैमेट्स भी सेम बने इनके, तो ये मेल के 4 गैमेट्स हैं, ये फीमेल के 4 गैमेट्स हैं। अब कैपिटल आर, कैपिटल आर लिखा है ना यहाँ पे, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई लिखा है ना यहाँ पे। क्रॉस बनाना बहुत ईजी है, यू विल नो कि आपके पास गैमेट्स कौन से। तो गैमेट्स बने थे कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई, स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई, ये गैमेट्स थे। अब आप मेल मेंबर के लिए इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना, मेल मेंबर के लिए आपने इस तरीके से लिखा और फीमेल के लिए आपने फिर से वैसे लिखा। दिस इज स्मॉल आर विद कैपिटल वाई, स्मॉल आर विद स्मॉल। अब बना लीजिए अपना पनेट स्क्वायर, तो पनेट स्क्वायर बनेगा इन दोनों से, यहाँ पे आ गया आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, अब यहाँ से और यहाँ से क्या आया, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। नाउ यहाँ से क्या आया, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। नाउ यहाँ से क्या आया, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो इस तरह से दिस पनेट स्क्वायर इज वेरी इजी टू मेक। जब आप बनाएंगे, अभी मैं बनाऊंगी नहीं, अब मैंने आपको सिखा दिया, इसको इसके साथ मैच करो, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको इसके साथ कीजिए, कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो लास्ट में आप क्या देखेंगे, यहाँ पे आएगा स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल, ठीक है। हम देखेंगे लास्ट में जो रिजल्ट है वो हमें क्या मिलेंगे, द रिजल्ट वी गॉट आर 9:3:3:1, दिस इज द रिजल्ट। 9 रेशो, जो 9 सीड्स हैं हमारे वो कैसे होंगे, वो होंगे राउंड एंड येलो। तो वो तो हमारे पास पहले से ही थे, वो तो हमें पता है, वो तो डोमिनेटिंग था, वो तो आने ही आने थे, ठीक है। अब बाकी उनका भी देख लेते हैं। 1 जो था लास्ट वाला, इसकी बात करी, जो 1 था, जो सिंगल ए ही मिला मुझे, वो था बच्चे रिंकल्ड वाला और ग्रीन वाला। तो मैम ये भी हमें पता है क्योंकि ये तो लिया था, तो मैम इसने भी तो एक्सप्रेस करना ही था। हाँ तो चलो ठीक बात है, इसने भी किया एक्सप्रेस तो इसने, लेकिन बीच वाले हमें नए तरीके से मिले, मतलब ये बच्चे हमारे पास राउंड था लेकिन ये ग्रीन कलर का था, तो ये एक नया मेंबर जुड़ गया फैमिली। अब ये वाला जो था ये कैसा था, ये रिंकल्ड था, इसमें रिंकल थे लेकिन ये येलो कलर का था, तो ये भी एक नया मेंबर फैमिली में जुड़ गया। वी गॉट 2 न्यू हाइब्रिड्स, हमें 2 नए हाइब्रिड मिले, इसीलिए तो इस क्रॉस का नाम है डाई हाइब्रिड क्रॉस। हमें 2 नए फैमिली मेंबर्स मिल गए, इस 2 तरह के जो नए जो करेक्टर्स थे वो हमें दिखे, कि राउंड सीड था लेकिन उसका ग्रीन कलर था, रिंकल्ड सीड था लेकिन येलो कलर था, सो वी टेल दिस क्रॉस डाई हाइब्रिड क्रॉस, इसलिए इसका नाम डाई हाइब्रिड। एक तो 2 करेक्टर्स लिए ही लिए लेकिन हमें 2 नए हाइब्रिड मिले, एक का राउंड सीड था लेकिन ग्रीन कलर था, दूसरा रिंकल्ड था लेकिन उसमें येलो कलर था। तो आपको गैमीट्स बहुत ध्यान से उठाने, इफ यू गॉट दिस क्वेश्चन इन योर एग्जाम ना, अगर ये क्वेश्चन आता है तो गैमीट्स की फॉर्मेशन बहुत ध्यान से करनी है। देन यू विल डू दिस पनेट स्क्वायर एंड यू विल लर्न द रेशियो, दिस इज द रेशियो 9:3:3:1। अब मुझे ये बताइए, कुछ बच्चे मुझे ये बताइए कि ये जो मैंने रेशियो लिखी है 9:3:3:1, दिस इज फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक, दिस इज फिनोटिपिक रेशियो, क्योंकि मैंने तुम्हें कलर बताया है कि बच्चे ये राउंड है और साथ में इसके येलो है, बच्चे ये राउंड है लेकिन इसके साथ ग्रीन कलर है, दिखने में जो दिखावा करते हुए मुझे अपने बारे में बता रहे हैं कि बच्चे ये रिंकल्ड है लेकिन इसमें येलो कलर है, ठीक है। नेक्स्ट वाला लास्ट वाला, बच्चे ये रिंकल वाला है लेकिन इसमें ग्रीन कलर है, तो इन सब ने अपना कलर और अपनी शेप तो बता दी, तो फिनोटिपिक रेशियो तो बता दी, जीनोटिपिक रेशियो कौन सी है, तो जीनोटिपिक रेशियो है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स, जो आपको प्लान रख भी सकते हो नहीं भी रख सकते कोई बात नहीं। 1:2:1, देन फिर रेशियो बनाएंगे 2:4:2, देन अगेन बनाएंगे 1:2:2:1, तो दिस इज द रेशियो। 1:1 याद रखना, फिर डबल कर देना, 2:4:2 याद रखना, फिर 1:2:1 याद,
तो इस तरह से हमें चलेगा जीनोटिपिक रेशियो जो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे फिनिश हुआ आपका डाईहाइब्रिड क्रॉस। इसमें हमने एक सीखा है लॉ दैट इज नोन एज, पहले थोड़ा सा थ्योरी का पोर्शन पढ़ लेते हैं कि जब हमने इस प्लांट को क्रॉस किया था इस प्लांट के साथ, प्लांट टू के साथ, सिर्फ प्लांट नंबर वन जिसमें राउंड और येलो कलर का आपका सीड था, इसमें रिंकल और ग्रीन कलर का सीड था, तो इसमें हमारे पास ये वाला जो जीनोटाइप है ये देखने को मिला। फिनोटिपिकली हमने देखा कि हमें तो राउंड सीड मिल गए फिर से और उनका येलो कलर था, तो बाकी जो है रिंकल्ड सीड और ग्रीन कलर उसने एक्सप्रेस नहीं किया होगा क्या, तो उसको एक्सप्रेस करवाने के लिए हमने उसको सेल्फिंग कर दी, हमें F2 जनरेशन मिली। फिनोटिपिक रेशियो उसकी थी 9:3:3:1, जिसमें राउंड और येलो कलर के सीड थे, लास्ट वाला ये वाला जो था रिंकल और ग्रीन था, बीच वाला राउंड और ग्रीन था, ये वाला रिंकल्ड और येलो था। और जीनोटिपिक रेशियो एक कॉम्प्लेक्स रेशियो है। अब यहाँ पे हमने ये देखा कि जो जो एलील्स थे या जीन्स थे वो एसॉर्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली, ठीक है। 9:3:3:1 मैंने आपको बता दिया कि क्यों मैंने ये नंबर लिखा है, इस हिसाब से लिखा है, आप यहाँ पे देखेंगे। और जीनोटाइप आपको कहाँ से मिलेंगे, पन्नेट स्क्वायर तो बनाना ही पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। पन्नेट स्क्वायर बनाएंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि जहां कैपिटल वाई और कैपिटल आर आपको दिख जाएगा वो सीड होगा राउंड और येलो। जहां आपको यहाँ पे, जैसे यहाँ पे जहां आपको कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर दिख जाएगा तो इसका मतलब वो येलो तो होगा लेकिन वो रिंकल्ड होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जीनोटाइप भी आना चाहिए। अब हम देखते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का इसके साथ क्या लिंक है। हम बात कर रहे थे जब एलील्स की सेपरेशन की तो हम उसको नाम देते थे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस हमने देखा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कि जब हम इस तरह से हेटीरोजाइगस कंडीशन लिखते हैं तो हमें पता है जो कैपिटल लेटर में हमने लिखा है, अब तो हमें पता है, उसको नहीं पता था, उसने तो सारी इंफॉर्मेशन दी है हमें ना, मेंडल जी ने हमें ये सारी इंफॉर्मेशन दी है। तो ये जो कैपिटल टी है ये डोमिनेंट करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, है ना। जब हमने F1 जनरेशन भी गेन करी थी उसके बाद इसका नेक्स्ट F2 जनरेशन भी हमने देखा था तो उसमें कैपिटल टी आया था, कैपिटल टी स्मॉल टी हमारे पास दो आए थे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्मॉल टी आया था, दिस इज 1:2:1 मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, तो ये डोमिनेटिंग था, इसमें भी कैपिटल टी डोमिनेटिंग था। तो ये वाला प्लांट टॉल था, इसमें तो दोनों कैपिटल टी है लेकिन यहाँ पे ये भी टॉल था क्योंकि कैपिटल टी क्या है, डोमिनेटिंग हाइट का, ठीक है, टॉल हाइट को एक्सप्रेस करता है, टॉल हाइट को उसने एक्सप्रेस किया, ठीक है। वो था लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था कि इन दोनों एलील्स को, ये जो इकट्ठे रखे हैं आपने, इन दोनों को क्या कर दो, सेपरेट कर दो भाई, कब, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन यू हैव टू सेग्रीगेट द एलील्स, तो एलील्स को सेग्रीगेट कर दिया, वो कहा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ने। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है कि जब आपके पास इस तरीके से F1 जनरेशन आई इसमें डाई हाइब्रिड क्रॉस में, तब आप कैसे गैमेट्स बनाएंगे, तब आप इन एलील्स को हम सेपरेट तो कर देंगे, इस तरह से हमने सेपरेट कर दिया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इनके साथ लगा दिया, स्मॉल वाई लिखना था, ठीक है। तो इन दोनों को, इन सबको सेपरेट कर दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ने कहा। अब ये इसके साथ जाएगा कि इसके साथ जाएगा, मतलब कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ जाए कि कैपिटल आर जो है स्मॉल वाई के साथ जाए, स्मॉल आर जो है वो कैपिटल वाई के साथ जाए कि स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ जाए, कंफ्यूजन है भाई। लेकिन वो इंडिपेंडेंटली कहीं भी मूव कर सकते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, हर एक ट्रेट इंडिपेंडेंट है, हर एक करेक्टर इंडिपेंडेंट है, दे कैन एक्सप्रेस देम सेल्फ, दिस विल सेज अस अबाउट द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब अपनी मनमानी कर लो, जैसे तुम बच्चे करते हो अपनी मनमानी, अपने पेरेंट्स की नहीं सुनते हो, जैसे ही 10th क्लास में हो गए अब हम बड़े हो गए हैं हम अपनी मर्जी करेंगे, ऐसे बोलते हो ना, तो दिस इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो तुम पे डिपेंड करता है, जो तुम्हारे पे बिल्कुल वो है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है द एलील्स फॉर द जीन्स फॉर द सेपरेट ट्रेट, हर एक ट्रेट के लिए जो अलग अलग जीन है वो अपने आप को असॉर्ट कर सकता है
मूव करवा सकता है इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द अदर जीन्स, बाकियों को नहीं देखेगा, ये आर स्मॉल आर को नहीं देखेगा कि भाई मुझे तो कैपिटल वाई से शादी करनी है, मुझे तो इसी के साथ ही जाना है, मुझे तो इसी से ही इसी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना है, तू देख ले अपना। नहीं, वो इसको नहीं पूछेगा, इसकी मर्जी ये कैपिटल वाई के साथ जाए भाई, इसकी मर्जी स्मॉल वाई के साथ जाए। ऐसा किया ना हमने तब, जब हमने गैमीट्स बनाए तब हमने इनको इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करवाया। दूसरी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि एलील्स ऑफ टू और मोर डिफरेंट जीन्स, या इस लाइन को मत लिखना, एलील्स कैन गेट असॉर्टेड इन टू गैमीट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर। ये जो एलील है, ये वाला एलील, वो इस एलील के इंडिपेंडेंट है, वो जब गैमीट फॉर्मेशन करेगा वो किसी भी गैमीट के अंदर मूव कर सकता है। गैमीट फॉर्मेशन हुई, मेरे को पता था चार गैमीट्स बनेंगे, तो ये यहाँ पे इसके साथ मूव कर गया, यहाँ पे स्मॉल वाई के साथ मूव कर गया, करा था ना। तो इस तरह से दे कैन असॉर्ट, दे कैन मूव इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, या ऐसा कह सकते हैं ईच रेट कैन एक्सप्रेस देम सेल्फ इंडिपेंडेंटली, दे कैन असॉर्ट इंडिपेंडेंटली एज कम्पेयर टू द अदर जीन्स। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमें कैसे पता चला कि ये बात बिल्कुल सही है? ये हमें पता चला कि जब हमने मेंडल का डाइहाइब्रिड क्रॉस करा तो हमने लिए थे राउंड और येलो सीड। ठीक है, दूसरा प्लांट में हमने लिया था रिंकल्ड और ग्रीन सीड, ग्रीन कलर का उसका सीड था, लेकिन लास्ट में हमारे पास क्या बना था? दो नए मेंबर्स बने थे। उन नए मेंबर्स में एक तो राउंड सीड तो था, लेकिन बच्चे ग्रीन कलर आ गया था, और यहाँ पे हमने रिंकल्ड सीड तो बनाया लेकिन उस रिंकल्ड सीड के साथ हमारे पास येलो कलर था, तो इसका मतलब दो नए मेंबर भी तो जुड़े थे हमारे पास। तो हमारे पास राउंड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड येलो हमें ये सजेस्ट करते हैं कि जीन्स फॉर द शेप एंड द कलर ऑफ द सीड हो गए दो नए करेक्टर्स। इस तरह से उन्होंने नए अपने आप को क्या असॉर्ट किया इंडिपेंडेंटली। दिस इज अ बेस्ट एग्जाम्पल। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है हाउ कैन यू प्रूव द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट विद द हेल्प ऑफ अ डाइहाइब्रिड क्रॉस, तो यू कैन गिव दिस एक्सप्लेनेशन एज अ आंसर। ठीक है, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपके पास डिफरेंस आ जाता है कि मोनोहाइब्रिड में, जिसमें आपने सिंगल करेक्टर का स्टडी करा था और यहाँ पे आपने दो करेक्टर्स का स्टडी करा था, इसके बारे में कुछ अच्छे से हमें बताइए। कुछ अच्छे से कैसे बता सकते हैं भाई? फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो बता दो। मोनोहाइब्रिड में फिनोटिपिक, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जितना इंपॉर्टेंट मान सकते हो मान लो, बहुत इंपॉर्टेंट। तो जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो आपको याद रखनी है। फिनोटिपिकली तीन बंदे टॉल थे, तीन प्लांट टॉल थे, और एक जो प्लांट था वो ड्वार्फ रेड देखने में, लेकिन जीनोटाइप अगर देखें यानी जेनेटिक मेकअप देखें तो एक जो था आपका था कैपिटल टी कैपिटल टी, दो जो थे वो थे कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी हेट्रोजाइगस कंडीशन थी, और ये लास्ट वाला था स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये जीनोटिपिक थे। जब हम डाइहाइब्रिड का बात करते हैं तो डाइहाइब्रिड में हमारे पास राउंड एंड येलो थे, हमारे पास राउंड एंड ग्रीन थे, हमारे पास रिंकल्ड और येलो थे। ठीक है, हमारे पास रिंकल्ड विद ग्रीन कलर था। तो इस तरह से हमारे पास 9:3:3:1 वाला कैरेक्टर्स थे देखने में। अब देखने में मैंने कलर शलर सब लिख दिया है, तो 9:3:1 आपका फिनोटिपिक रेशियो है, और जीनोटिपिक मैंने आपको बताया 1:2:1, देन 2:4:2, देन 1:2:1 आपने लिखना है जीनोटिपिक रेशियो। तो ये आपको पता होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स है लेकिन आसान है। मैंने कहा ये इतना लर्न किया, देन डबल कर दिया, देन फिर से रिपीट कर दिया फर्स्ट वाले को। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट की बात हुई थी, डाइहाइब्रिड में दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट की बात हुई थी, ये क्रॉस था टॉल और ड्वार्फ वाले पी प्लांट के साथ, ये क्रॉस था ऐसे प्लांट के साथ जिसके पास राउंड और येलो सीड थे, और दूसरे प्लांट के पास रिंकल्ड और ग्रीन कलर के सीड थे। ठीक है, रिंकल्ड उसकी शेप थी, ग्रीन उसका कलर था। तो हमारे पास यहाँ पे दो कैरेक्टर्स थे। तो आई थिंक दिस प्रोसेस आर वेरी इजी। पनेट स्फीयर बनाना जो है खुद से सीखिए, मोनोहाइब्रिड का
जो कि बहुत इजी था, यहाँ पे स्पेस है, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। मोनो हाइब्रिड क्रॉस जब आप करते हैं, तब आपने लिया था कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरी तरफ भी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी को इकट्ठे रखा, कैपिटल टी स्मॉल टी को यहाँ पे इकट्ठे रखा, कैपिटल टी स्मॉल टी को यहाँ लेके आए, स्मॉल टी को यहाँ लेके। आपने नहीं है ऐसे खच खच करनी है, आप तो पेंसिल से बारीक से ऐसा लाइन लगाएंगे कि वो दिखे ना। तो आपका पनेट स्फीयर बनेगा 1:2:1 इसका जीनोटाइप और 3:1 इसका फिनोटाइप, ये मोनोहाइब्रिड में हमने करा। ठीक है, डाई हाइब्रिड भी जरूर बनाना, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, और यही चार गैमेट्स इसी तरफ रखने हैं बच्चे, यही चार गैमेट्स आपको इस तरफ रखने, आपका बन जाएगा। दिस इज वेरी इजी, मुझे तो इतना मजा आ जाता था करने का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सेक्स डिटर्मिनेशन। इंडिया में तो बहुत अच्छी अच्छी मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन देखते ही कर लेते हैं, गोलगप्पे खा रही है वो प्रेग्नेंट लेडी, उसके तो लड़का ही होगा, तो ऐसे करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। नहीं, सेक्स डिटर्मिनेशन फीमेल चाइल्ड है या मेल चाइल्ड है ये डिटर्मिन होता है जेनेटिकली। जेनेटिक मैथड्स आर देयर दैट हेल्प अस टू डिटरमाइन आइदर द जो आपका चाइल्ड है इज अ मेल और इट इज अ फीमेल चाइल्ड, सो देयर इज अ सेक्स डिटर्मिनेशन मैथड्स। अब कैसे करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, यहाँ पे एक पिक्चर है जो मुझे किसके बारे में बता रही है, क्रोमोसोम्स के बारे में। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, पढ़ाया है ना, पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो क्रोमोसोम जो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमारे पास होती है, ठीक है, बीच में सेंट्रोमियर है, ये जो क्रोमोसोम है हमारे पास, ये कितने हैं टोटल, टोटल है 46। अगर पेयर में बात करूं तो मैं बोलूंगी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। उसमें से जो 22 हैं उनको कहा जाता है ऑटोसोम, ठीक है, और जो लास्ट वाला 23rd है ना, लास्ट वाला एक, लास्ट वाला वन, वो है मेरा सेक्स क्रोमोसोम। वो मुझे बताएगा कि बच्चे का सेक्स क्या होगा, आइदर इट इज अ मेल और अ फीमेल जाए। तो अब देख लेते हैं जरूरी बात कि 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक 22 तक जो आपके पास पेयर थे क्रोमोसोम के, उनको तो हमने नाम दिया ऑटोसोम, लास्ट वाले को हमने कहा सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम फीमेल में कैसे हैं, मेल में देखो कैसी स्ट्रक्चर है, ये देख रहे हो, एक बड़ा है थोड़ा सा, एक जो है वो छोटा है। मेल और फीमेल में किस तरह से डिफरेंस आ जाता है, देखो ध्यान से देखो, ये फीमेल है तो फीमेल में ये दोनों सेम है होमो, और ये दोनों डिफरेंट है हेटीरो, ठीक है, ये छोटा वाला है, तो ये मिसमैचिंग हो गया थोड़ा सा। अब देख लेते हैं थ्योरी, हमारे ह्यूमंस में हम बात करते हैं कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, इसमें से जो आप 22 है उनको नाम देते हो ऑटोसोम। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कितने ऑटोसोम्स होते हैं बॉडी में और कितने सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, तो हमारे पास एक ही पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड, लास्ट वाला जो 23rd वाला था, विच एक्टिवली टेक पार्ट इन द सेक्स डिटर्मिनेशन, जो सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है। भाई जिनको सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं आती वो सीख लो, ठीक है, गोलगप्पे कौन खट्टा कौन खा रहा है, लड़का उसके होगा, मीठा कौन खा रहा है, लड़की उसकी होगी, ऐसे सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं करते भाई। सेक्स डिटर्मिनेशन होती है जेनेटिकली, इट डिपेंड अपॉन द सेक्स क्रोमोसोम विच आर प्रेजेंट इन मेल एंड फीमेल बॉडी। तो आपका जो मेल एंड फीमेल है उनके पास 2 सेट ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स हमने देखे, या तो एक्स एक्स या एक्स वाई, अब किसके पास क्या है ये भी देख लेते हैं। जो मेल है उनके पास मिसमैच पेयर है, यानी उनके पास है एक एक्स और एक वाई, दिस इज मेल, तो यहाँ पे आ गया मिसमैच, एक दूसरे से मैच नहीं करते, यहाँ पे हेटीरो वाली कंडीशन है, ठीक है, तो हेटीरो गैमेट्स बनाएंगे ये 1x एंड 1y, इसका मतलब जब गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी तो एक एक्स बनेगा दूसरा वाई बनेगा, ऐसे ही बनेंगे ना हेटीरो गैमेट्स। और अगर फीमेल की बात करें तो इसके पास है सेम, यानी बोथ द एक्स एक्स सेक्स क्रोमोसोम्स हैं इसके पास, होमो वाली कंडीशन है, ऑल चिल्ड्रन विल इनहेरिट एन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम द मदर। अगर बच्चे की बात करें, अगर बेबी की बात करें, तो बेबी के पास जो एक एक्स है वो तो फिक्स है, वो तो फिक्स है, कहाँ से आएगा, मदर से आएगा ही आएगा। जब हम इसकी बात करते हैं कि फर्टिलाइजेशन हुई तो
तो एक एक्स जो है वो फीमेल से आएगा ही आएगा, ठीक है। वेदर इट इज द आपका बॉय है या गर्ल है, कुछ भी है, लड़का है लड़की है कुछ भी है, उसमें से एक एक्स जो है वो तो मदर से आया ही आया, क्योंकि उसके पास तो है ही एक्स क्रोमोजोम, ठीक है, एक्स एक्स क्रोमोजोम। डज द एक्स सेक्स ऑफ द चिल्ड्रन विल बी डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ क्रोमोजोम विच इज इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर। तो ये जो लाइन है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फिर सेक्स किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कि विच क्रोमोजोम या विच आपका जो आपका क्रोमोजोम है इज इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर, कि फादर से कौन सा आ रहा है, एक्स आ रहा है कि वाई आ रहा है। अगर तो एक्स आ गया तो एक्स एक्स बनेगा, अगर वाई आ गया तो एक्स वाई बन जाएगा, अगर एक्स वाई बना तो लड़का बन जाएगा, अगर एक्स एक्स के साथ जुड़ गया तो लड़की बन जाएगी, फीमेल बन जाएगी, ठीक है। अ चाइल्ड हु इनहेरिट एक्स, यहाँ पे वही लाइन बताई है कि अगर वाई क्रोमोजोम मेल का इनहेरिट हो गया तो बॉय बन जाएगा, अगर एक्स क्रोमोजोम इनहेरिट हो गया मेल का तो वो गर्ल बने। तो इस तरह से होती है सेक्स डिटर्मिनेशन, घर में बैठ के बातें करने से नहीं होती। सेक्स डिटर्मिनेशन इज बैंड इन इंडिया बिकॉज ऑफ द फीमेल फ्रिटिसाइड। ये क्या होता है, कन्या भ्रूण हत्या का नाम तो सुना होगा आपने, दिस इज द ऑलरेडी वी स्टडीड इन द रिप्रोडक्शन चैप्टर, हमने वहां पढ़ा था बच्चे, आप वहां से एक बार वीडियो देख सकते, ठीक है। तो ये था क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। अगर नॉर्मल सा आपको बोले कि दिस इज फादर, फादर के पास एक्स वाई है, और ये मदर, मदर के पास दोनों सेम है एक्स एक्स, तो एक्स जो है इस एक्स के साथ अगर फ्यूज हो जाए तो एक्स एक्स बनने के चांसेस है, ये एक्स इस एक्स के साथ फ्यूज हो जाए तब भी एक्स एक्स से बनने के चांसेस है, ये वाई इस एक्स के साथ फ्यूज हो जाए एक्स वाई बनने के चांसेस है, ये वाई इस एक्स के साथ फ्यूज हो जाए एक्स वाई बनने के चांसेस है। अब कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी हुई कि लड़का होगा कि लड़की, यहां से देखिए दिस इज द 50% प्रोबेबिलिटी फॉर हैविंग द फीमेल चाइल्ड एंड दिस शो द 50% प्रोबेबिलिटी फॉर हैविंग द मेल चाइल्ड। क्यों, गैमेट्स बनेंगे है ना, बनाने है ना गैमेट्स, यहाँ पे तो एक साथ है, हमें बनानी होती है गैमेट फॉर्मेशन एंड देन देयर इज अ फ्यूजन ऑफ दैट गैमेट्स विल वी विल डू। तो यहाँ पे तो सिंपली था ये स्ट्रक्चर कि 50% प्रोबेबिलिटी है, देखिए दो लड़कियां दो लड़के, बता रहे हैं कि 50-50% चांसेस है, लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, डिपेंड किस पे करता है, यहाँ देखिए यहाँ से पढ़ते हैं कि फादर के पास एक्स वाई क्रोमोजोम थे, मदर के पास एक्स एक्स क्रोमोजोम था, इन दोनों के गैमेट्स बना दीजिए। अब या तो जो आपका जर्म सेल है, जो गैमीट है, ठीक है, उसके पास एक्स भी हो सकता है और उसके पास ए भी हो सकता है, मदर के पास तो दोनों ही एक्स है, उनको फर्क नहीं पड़ता, फीमेल को फर्क नहीं पड़ता। अब एक्स जो है इस एक्स के साथ अगर फ्यूज हो गया तो फीमेल, अगर ये एक्स इस एक्स के साथ फ्यूज हो गया एक्स एक्स फीमेल, अगर ये वाई एक्स के साथ फ्यूज हो गया तो मेल, अगर ये वाई इस एक्स के साथ फ्यूज हो गया तो मेल, यानी वही बात कि 50-50% प्रोबेबिलिटी होती है फीमेल चाइल्ड की, 50% प्रोबेबिलिटी होती है मेल चाइल्ड। देख के नहीं पता लगाते इसके तो लड़का होगा भाई, खट्टा भारी है, मैंने कहा There is a genetics which is behind this, कि आपका कौन सा गैमेट जो आपके फादर है वो इनहेरिट, जो आपके फादर है वो कौन सा गैमेट अपने से इनहेरिट कर रहे हैं, यानी पास कर रहे हैं उधर नेक्स्ट जनरेशन। तो यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन होती है फिनिश। अब आ रहा है एक क्वेश्चन जिसको मैं करूंगी रीड, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है व्हाई डिड मेंडल कैरी आउट एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी, उसने क्यों एक एक्सपेरिमेंट करा इस बात को बताने के लिए, इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेट, टू ट्रेट यानी दो करेक्टर्स, जैसे अभी थोड़ी देर पहले करा हमने, व्हाट आर हिज फाइंडिंग, उन्होंने क्या भाई क्या मिल गया उनको ऐसा करने से, F1 जनरेशन बताइए, F2 जनरेशन बताइए, और उसके बाद रेशियो बताइए हमें F2 जनरेशन में कितनी है द अबव मेंशन्ड एक्सपेरिमेंट। तो आपके पास ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस की वीडियो को कंटिन्यू मेरे चैनल पे करने के लिए आपको देखनी पड़ेगी नेक्स्ट वीडियो।
सो आई एम फिनिशिंग दिस वीडियो, यहाँ पे वीडियो फिनिश कर रही हूँ. किसी को कुछ नहीं समझ आया बच्चे, अभी वन शॉट बनेगा. देर इज अ वन शॉट दैट आई विल मेक एंड आई विल अश्योर यू कि वहाँ पे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा. ठीक है, बहुत एक्सप्लेनेशन से मैंने बताया है, लेकिन फिर भी अभी वन शॉट इज देयर, उसमें सारी वीडियो जो है वो फिर से बनेगी. देन वी विल डू द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर दैट इज हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन. प्लीज सब्सक्राइब साइंस साइड एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट. स्टे फोकस्ड.